Það er þér andur, ná ég þessi, ég þessi, ég þessi. Ígjör, doctor. Þeiri múi. पब्ली की हाल चाल है ठीक को ना खुश हो तो गाइज़ आज कुछ इंटरेस्टिंग करने का दिल कर रहा था क्योंकि आज मेरा दिन था दिन से मतलब आज मैं बहुत ही अच्छी गेम खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बस अपुनिच्छ अपनिच भगवान है तो गाइज़ इधर सबसे पहले कमेंट्स में रोमियों आर्मी प्रेजेंट लगाओ और फिर आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इस बार मैंने सोचा था कि मैं लैंड करूँगा जो दो गन्स मुझे फ़र्स्ट मिलेंगी जो दो गन्स मुझे मिलेंगी मैं वही यूज़ करूँगा और कोई भी गन नहीं यूज़ करता तो मैंने ये सोचा था तो हम लोग लैंड की थे पोचिकी में और आपको पता है पोचिंकी में दो गन्स कौन सी मिलती हैं शॉर्ट गन्स ठीक है, है। बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे देखना आप आगे देखना मुझे कौन सी गन मिलेगी और ट्रे ये जो ट्रेलर बताता हूँ मैं स्टार्ट में इसमें तो पता ही लग ही गया होगा तो मुझे एक एस ट्वेल्व के और एक एम फोर मिली थी ये दोनों गन जी मैंने फिर फुल मैच में चलाई थी तो चलो यार पहले आर्मी प्रेजेंट लगाओ रोमियो आर्मी की प्रेजेंट लगाओ कमेंट्स में फिर इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो पोचिंकी में एक भी बंदे का पुत्र नहीं आया था तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग लैंड की थे पोचिंकी में तो ये हमें दो गने मिली थी जहाँ से फिर आप ये ना कहो ना कि इसने गन चेंज किया है या कुछ किया है तो मैंने आप लोग देखो पहली गन हमें मिल गई एम फोर सिक्स थर्टीन और मैं बोल रहा था दू, दूसरी जो भी गन मिली मैं वही उठाऊँगा तो कोई चेंज नहीं करूँगा तो एस टवेल्व के मिल गई तो एस टवेल्व के और एम फोर सिक्सटीन उठा के लूट करके हम लोग बंदे ढूंढने के लिए ना गाड़ी में बैठ के निकल गए भाई बंदे ढूंढते हैं तो यहाँ पर तो कोई क्योंकि बंदा आया नहीं था तो यहाँ से अब मेरी तो हो गई थी लूट पूरी मैंने कहा अब जो दो गने मिल गई बस वो मिल गई वही उठाऊँगा तो गाइस फिर ये वाली गन लेके हम लोग निकल गए स्कूल की तरफ तो गाइज़ हम लोग स्कूल की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पर फ़ाइट लगी हुई थी दो स्क्वाड इधर थे एक स्क्वाड अपार्टमेंट में था और क्या ही फ़ाइट थी यहाँ पर गाइज़ बहुत ही मज़ा आया आपने गाड़ी छाड़ी यहाँ पर लगाई तो पीछे बिल्डिंग में एक बंदा था जिसके फुस्टअप आ रहे थे मैं चढ़ा मेरे पास तो चूंकि शॉर्ट गन थी तो मैं मैं चढ़ा शॉर्ट गन से मारने अब उस वो चाहता मुझे यहाँ से नॉक दे सकता था मैंने इतना डैमेज दिया बट किल मेरा स्टील हो गया इसमें ये होगा मेरे किल बड़े स्टील होंगे और मैं नॉक भी हूँगा अब यहाँ पे पड़ी थी एक कैम भी पड़ी थी मैं चाहता वो उठा लेता लेकिन नो जो सोच लिया भाई वो सोच लिया जो दो गन्स मिलेंगी वही उठाएंगे अब एक भाई सब बाहर बैठे हुए ऊपर में उनके साथ फाइट ले रहे थे सामने वाले स्क्वाड के तो यहाँ पे इनका किया खात्मा और चढ़ गए स्क्वाड के ऊपर जो स्कूल में था अब गाइज यहाँ पे ना एक बंदा फुली टॉप पे छत पे लेटा हुआ था लेटा हो तो साउंड ओवर सा आता है ना तो अगर बैठा हो या मूवमेंट दे रहा हो तो साउंड ओवर सा आता है तो अब छत पे वो लेटा हुआ था मैं बेगम हो गया था यहाँ पे कि भाई छत पे लेटा हुआ है तो मैं यहाँ से निकल गया ना ऊपर की तरफ पहले मैंने गर्नेड शर्ट पैन आते मैं आगे पैन दी इसी तो सी लोग समझते नहीं हो पैन चो पैन सॉरी यार सॉरी गैस गाली नहीं देते जो होते के लिए होते नड़क अच्छी लिए होते तो यहाँ पे नेड़ की उसको फुली डैमेज मिला तो मैं शॉर्ट गन ले के एक ही मारी उसके हेड पे अब यहाँ पे मैं इसको मारता भी नहीं पा रहा था क्योंकि मैं पजल था मुझे बाहर से शॉर्ट्स रजिस्टर हो रही थी यहाँ पे इसको ख़त्म किया तो बाहर एक स्क्वाड था जो ये बाग के आया था कवर में तो इसको नॉक दे दिया अपन अपन ने नॉक दे दिया इसको दूसरे बंदे मेरे टीम को नॉक दिया जैसे ही तो आपके भाई ने फिर क्या किया खोल के रख दी ना वही खोल के रख दी तो यहाँ पे मैं इसको कहता था टीम को रिवाइव दो मैं नीचे जाता हूँ नीचे फाइट हो रही थी मेरा टीम एक ज़ाया हो चुका था इसी फाइट के दौरान तो यहाँ पे क्योंकि शॉर्ट गन थी तो ये भाई सब ओपन में आए थे एक ही लगे इनको पट्टे साइड पर तो ये भाई भी हो गया फिनिश यहाँ पे हमने एमो शेमो उठाई फाइव की ग्रनेड उठाए मैं इनको बोला था मुझे शॉट गन की एमो चाहिए क्योंकि शॉर्ट गन की एमओ लोगों के पास मतलब शॉर्ट गन तो होती ही नहीं है ना पहले तो वो भी तो बोटों के पास होती है तो आज हम एक किस्म के प्रो बोट बने हुए थे गाइस प्रो बोट तो वीडियो को लाइक नहीं किया जानी लोग लाइक कर दो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार शेयर किया करो वीडियो को लाइक भी किया करो लव यू हो गया तुम लोगों के लिए बनाता हूँ तो यहाँ पे डैमेज दिया बड़ा कोशिश की लेकिन नॉक हो ही गया उसका हेड नज़र आ रहा था ना हेड पे लगेगी तो नॉक नहीं होगा तो क्या होगा अच्छा यहाँ पे मैं हील वगैरह कर रहा था तो मुझे कॉल आ गई तो गई यहाँ पर मतलब लूट वगैरह पूरी की मैं इनको बोल रहा था मुझे शॉर्टगन का एम चाहिए एक और भाई ओपन में आए थे तो इनको भी नॉक कर दिया अभी मुझे ना कॉल आ गई थी दोस्त की मैं बड़ा गु़स्से में जी तो मैंने कॉल और रिजेक्ट की दोबारा से मैंने गेम में आया तो यहाँ पे बढ़िया मोलियाँ कराइया जा रही थी हम पे तो गैस यहाँ पे फिर से एक बार कॉल आई थी देखना कॉल जब आती है तो होता गया है तो यहाँ पे ये यह वाला एक बंदा ओपन में आ रहा था इसको जैसे ही मैंने मारा मुझे अपार्टमेंट से पड़ गई अब इसकी डी की फ्लैश नज़र आ रही थी मुझे जैसे ही मुझे फ्लैश नज़र एक नॉक दिया ये दूसरा भी स्प्रे में आ गया दूसरे को भी हेड बड़े दो नाक हो गए थे अपार्टमेंट में नाक नाक हो गए थे अब देखो फिर से कॉल आ गई अब देखना मेरे साथ हुआ क्या अब सामने बंदा है और मैं ओपन में आ रहा हूँ और देखो पैन दी सीरी पैन सीरी होगी यहाँ मैं शुक्र है परोन कर गया था अगर मैं परोन ना करता तो वो मुझे मार देते तो वो अपार्टमेंट में मैंने जैसे ही नाक दिए अब मैं इधर बैठा था मैंने इस बंदे पे कराया नेट मैंने कहा मे बी ये नेट से उड़ जाए लेकिन भाई साहब नेट से नहीं उड़ा फिर इसको हमने अपनी शॉर्ट गन से ही उड़ाया तो एक बंदा वो राइट पे था और एक बंदा लेफ़्ट पे आ चुका था दो बंदे थे इधर तो मैंने इस राइट वाले बंदे पे रश किया एम रख के मैंने कहा शॉट गन के मो, मो दो एमो ऊपर पड़ा था मैंने उठाया नहीं तो ये यहाँ पे बंदा टी ले रहा था फुली फुली हार्ड टी ले रहा था लेकिन ये जो है ना ड्रॉप शॉट मार दिया आपके भाई ने जो दो जो दूसरा बंदा था ना वो अब लेफ्ट से रोटेट करके वो जो सामने कंटेनर टाइप है ना वेयर हाउस टाइप छोटा सा उसके पीछे वो देखो आ गया उसके पीछे जैसे ही है मैंने उसको कवर फायर मारने लग गया मैंने उसको कवर फायर काफ़ी दिया अभी बंदा मारा था मैं चाहता था, तो इसको यहाँ पे ही भी मार सकता था लेकिन मैंने कहा नहीं शॉर्ट गन से मारेंगे शॉर्ट गन से मारेंगे गाइज दोस्त बंदे के ऊपर रश कर दिए यहाँ पे कभी ये लेफ्ट आए कभी राइट आए तो यहाँ पे राइट बड़ी प्यारी टी पी पी ले रहा था हेड पड़े इसको और ये यहाँ पे हो गया इसका भी हाथ तो गाइस यहाँ पे फिर दाढ़ी शाढ़ी ले गए जो अपार्टमेंट में स्क्वाड था यार क्या ही लेवल का रश हुआ उन पर क्या ही उनको मारा वो तो हैकर बोरे होंगे तीन चार बंदे थे तीन गिल तो मुझे मिले और ऐसे मिले अपार्टमेंट रश करना इम्पॉसिबल है और आप लोग जब भी अपार्टमेंट जाओ ना तो थर्ड जो फ्लोर है उसके उसका डोर ना तोड़ दिया करो क्योंकि थर्ड फ्लोर पे जो डोर है उससे बंदा क्लाइम करके इजीली नीचे से ऊपर मार सकता है तो मैंने इनको बोला वो सारे छत पे हैं तो हम इस तरह करते हैं थर्ड फ्लोर पे जाते हैं और जाके टेक्निक लगाते हैं मैंने इनको मैंने इनको बोला चढ़ जाओ थर्ड फ्लोर पर नीचे बोर्ड आया था मैंने बोर्ड बोर्ड था कि बंदा था बंदा समझ के जंप किया बट बोर्ड था मैंने इसको मार दिया तो गाइस यहाँ पे हील वगैरह मतलब रीलोड वगैरह करके इसको मैंने बोला अपने पार्टनर को थर्ड फ्लोर दरवाजे के पीछे आ जा जल्दी आ जल्दी दरवाजे के पीछे आ जा, जा भाई वो जैसी दरवाजे के पीछे आया मैंने क्लाइम किया और यहाँ से देखना ये एक ये दूसरे को भी फुली डैमेज मिला ठीक है अब दो बंदों को एक नॉक था एक को डैमेज मिल गया दो बंदे से मैं इसको, मैंने इसको बोला तुम लेफ्ट मुड़ना मैं राइट मुड़ूंगा तो मैं जैसे ही राइट मुड़ा एक बंदा तीन बंदे मैंने किल ले लिए लेफ्ट वाला बंदा मेरे पार्टनर ने मार दिया तो बैसे यहाँ पे ये वाला स्क्वाड का भी हो जाता है हातिमा हातिमा हो जाता है स्क्वाड का भी तो यार वीडियो को लाइक किया करो बार बार कहता तो लाइक किया करो तो लाइक किया करो लाइक किया करो दो लाइक्स का एम है दो लाइक्स पूरे कराओ मज़ा आ जाए खेलने में तो गई यहाँ पे हम लोग जा रहे थे बड़े बंदे ढूंढे लेकिन मिले नहीं यहाँ पे हम लोग फिर ना पोचिंकी के स्क्वाड हाउस में आए तो यहाँ पे स्क्वाड हाउस में फायर हुआ हम यहाँ से ड्रॉप पे जा रहे थे स्क्वाड हाउस में फायर हुआ जैसे ही स्क्वाड हाउस में फायर हुआ हम लोग वहाँ पे मुड़ गए और भाई यहाँ पे एक बंदा नीचे कैम कर बैठा था मैंने इसको भी इतना डैमेज दिया पर बहन चो मेरा किल ले गया टीम देखो इतना डैमेज दिया टीम किल ले गया था तो भाई साहब ये इस बंदे ने मुझे नॉक कर दिया था बड़े मतलब अच्छा इसको मैंने नॉक किया था मैं हाँ 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 मैं ये बंदा गाड़ी फाड़ रहा था तो इसकी गाड़ी डैमेज की वजह से मैं नॉक हो गया था तो यहाँ पे मैं काफ़ी देर बैठा रहा मेरे टीम मेट नहीं आ रहे थे बड़े डर रहे थे और ये बंदा भी ऑल पर बो रहा था भाई टीम अप कर लो भाई टीम अप कर लो टीम अप कर लो ये कर लो वो कर लो तो मैं इसको बोल रहा था गाइज टीम अप पर लगता है बैन और टीम अप करके अगर आप लोग किसी और स्क्वाड को मारते हो तो तो पक्का बैन लगता है तो यहाँ पे हील वगैरह करने के बाद दरवाजे के उस तरफ अपने टीम को खड़ा करके यहाँ स्क्वाड हाउस के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था मैं तो मैं जैसे ही स्क्वाड हाउस के ऊपर चढ़ा तो मैं ये लेट गया बंदा कहता टीम अप प्लीज़ टीम अप तो फिर क्या करें टीम अप करना पड़ा फिर इसके साथ जैसे ही टीम अप कर रहे थे एक स्क्वाड ने रश किया हमने मिलकर एक स्क्वाड को मार दिया और जैसे ही एक स्क्वाड को मारा तो मैंने अपने टीम को बोला भाई इसको मार दे क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया तो टीम अप का बैन लग जाएगा सेवन डेज का तो मैं नहीं चाहता मेरे को कोई बैन लगे तो ये यहाँ पर टीम अप हुआ हुआ था गाइस तो हम लोग बातें ही कर रहे थे तो एक गाड़ी ने हम पे रश कर दिया और हम दोनों ने मतलब मिल के ना उसको मार दिया और जैसे ही भाई उसको मारा ना तो मैं मैं भाग गया आगे की तरफ मैं पीछे से बोला टीम टीम वाले टीम को बोला कि इसको मार दे तू उसको मार दे भाई क्योंकि अगर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया ना तो लग जाएंगे एल लग जाएंगे तो वो गाड़ी आई जैसे ही रश करने तो एक बंदे को तो मैंने उतार लिया था एक बंदे को मैंने उतार लिया था तो उन, अंदर मेरे टीम ने दोनों इनको मार दिया और मैं इसको बो रहा था पहले मैं ख़ुद मारने वाला था फिर मैंने कहा मेरा मारना मुनासिब नहीं होगा तो इस तरह करते हैं कि इसको नीचे बुलाओ और टीम को टी, ए, अपने टीममेट को बोला कि भाई इसको मार दे इसको मार दे इसको मार दे क्योंकि अगर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया ना तो बस बात ख़त्म आईडी हो जाएगी बैन में इसको बोल रहा था मार दे मार दे उस टीम में मेरे उसको भी मार दिया तो गाइस यहाँ पे ये यह बोला टीम में टी, स्क्वाड भी ख़त्म हो चुका था तो फिर से हम लोग एक बार गाड़ी पकड़ के बंदों की तलाश में निकल गए अब मैं यहाँ पे ऊपर में जा रहा था ड्रॉप लेने के लिए ना तो मेरी टीम ने बोला वहाँ पे बंदा है बंदा है बंधा ऊपर में बंदा है मुझे हल्का सा बंदा नज़र आया तो यहाँ रिफ्लेक्स देखना मैंने कैसा रिफ्लेक्स दिया यहाँ पे देखो मैं वैसे ही फायर मार रहा था गाइस क्या ही लगा उसको फायर और वो बंदा हो गया डाउन तो यहाँ पर वो बंदे को मार के ड्रॉप वगैरह लूट के फिर से एक बार बंदों की तलाश में निकल गए हम लोग गाड़ी ले तो यहाँ पर एक स्क्वाड था सारे सांप बने हुए थे इस साइड घास पर सभी सांप बने हुए थे गाइस तो मैं मैंने सोचा मैं मारता हूँ इनको उससे शॉर्ट गन से मारने की ट्राई करता हूँ तो आपको पता है सांपों का और शॉर्ट गन का क्या मतलब कोई जोड़ ही नहीं है गाइस अब सांप बने हो तो कैसे पता चले रिफ्लेक्स कैसे लगे वो भी शॉर्ट गन से वो भी इतने दूर से तो मैंने कहा यहाँ पर कोई भी नहीं है पहले मुझे ऐसे लगा ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पे कोई होगा तो यहाँ घरों में कोई नहीं था गाड़ी घरों में लगा के खुद ऊपर में लेट गए थे इतने कोई डैश किस्म के बंदे थे मैं यहाँ से निकल ही रहा था तो मेरे टीम टीम मेट ने ना एक बंदा जैसे ही नॉक दिया ना गाइस तो मैंने कहा भाई नहीं अब नहीं छोड़ना इनको नहीं छोड़ना मुझे बता के देने दो एक बंदा नॉक फिनिश दे दिया टीम मेट ने और मैं यहाँ पे आया जैसे ही मैं उसको मार रहा था मुझे लेफ्ट से पड़ गई गाइस माया हो गया नॉक तो ये ये होता है साइड इफेक्ट किसका शॉर्ट गन का और किल भी मेरे नहीं निकले यहाँ पर ये तो वहाँ पर मेरा आत्मैम फोर होती तो पक्के पक्के तीनों किल मेरे थे बट यहाँ पे हम दोनों टीमेट नॉक हो चुके थे अब एक ही टीम टीमेट रह चुका था वो फो राइट से रोटेट कर चुका था तो उनका भी आखिरी बंदा साम बने हुआ था उधर बहर ओपन में मैंने टीम मेट को बोला छोड़ दे प्लीज़ आ जाए मर जो जा वीडियो हो जाएगी ख़राब फिर आवाम क्या देखेगी तो क्या बड़ी मुश्किल से वीडियोस बनती हैं तो लाइक किया करो वीडियो को और कमेंट में रोमियो आर्मी प्रेजेंट किया करो ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग देखते हो खैर यहाँ पे बड़ी मुश्किल से टेन एच पी में मैं रिवाइव हो गया था हमें जैसे रिवाइव पीछे एक गाड़ी आई गाड़ी का ना वो देखो साउंड आया तो गाड़ी का जो साउंड था वो बंदा पता नहीं कौन था क्या था क्या नहीं अब जो रैंक पुश कर रहे होते हैं वो एम ही बिग फैन करने लग जाते हैं और टीम टीम अप करने लग जाते हैं इनके चक्कर में हमें लग जाएगा हमें लग जाता ना बैन लग जाता है तो मैं किसी किस्म का भी रिस्क नहीं उठाना चाहता था कि अपनी आईडी के साथ तो वो बंदा जंपिंग कर रहा था तो मैंने अगर नेट वाला कुक किया हुआ था तो फेंक दिया क्योंकि मुझे पता नहीं चला वो गाड़ी देखो कितनी पीछे थी वो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ना मतलब पीछे थी तो मैं यहाँ पे जा रहा था एम रख के मैंने कहा शायद वो बाहर आया तो मैं उसको मारूंगा ना तो मैं जैसे ही ओपन में आया इस पत्थर का कवर लिया नेड खोला और फुल कुक किया इतने में वो बंदा बायर निकल आया देखो जंप करने लग गया तो नेल मेरा जैसे ही फटा उसके सर पे ये था स्टार एक्स फैसल डीपीएस सॉरी ब्रो टीम अप से बैन लगता है और अगर रैंक कुछ करे तो शेरों की तरह करो इस तरह गीदड़ों की तरह छुप छुप के बिल्कुल भी मत करो अब पीछे रह गए थे चार बंदे गाइस चार बंदे रहते थे तो ये मेरे टीम कहते थे मुझे शक है कि वहाँ पे बंदा है तो आप लोग वहाँ पे देखो तो मैं जैसे ही ऊपर आया तो ऊपर खैर कोई नहीं था अब जो मेरा टीम मेट राइड पर अकेला था सा, उसको सांपों ने फिर से डस लिया था उसको सांपों ने डसा था यहाँ पर कोई भी नहीं था मैं देख रहा था लेकिन मुझे तो कोई हेयर स्पॉट नहीं हुआ जैसे ही मैं थोड़ा सा हाई रेंज में गया ना ऊपर हाई लोकेशन पे तो मुझे सांप नजर आ आके गाइस वो देखो मुझे ना यहाँ पे देखना अभी सांप न वो देखो सामने सांप, सांप लेटा हुआ वो मेरे टीममेट को डस रहे थे तो मैंने यहाँ पे दो बंदे कर दिए नॉक अब दो बंदे यहाँ पे नॉक नॉक कर दिए थे और दो ही रह गए थे एक एक बिल्कुल जोन में एक एक अब पीछे कितने रह गए तीन बंदे रह गए थे एक बंदा जोन में ही था ओपन में तो मैंने शॉर्ट गन की उसको कराई शॉर्ट और वो मर गया और यहाँ पे एक टीमेट ने मेरे ने मार दिया और यहाँ पे गाइस चिकन हो गया हमारा तो यार ये थी ओनली टू गन्स जो मिलेगी वो वाला चैलेंज था तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना ऐसी ऐसी मजे मज़े की वीडियो लाता रहूँगा मैं चाहता हूँ कि मेरा गेम प्ले लोग देखें इम्प्रेस हो खेलें लाइक मोबाइल पर भी, भी, भी आप लोग खेल सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आई पैड होना चाहिए या पी सी होना चाहिए आप लोग मोबाइल पर भी बहुत अच्छी गेम खेल सकते हो बाकी लव ही होगा इसी तरह सपोर्ट किया करो जिस तरह करते आ रहे हो और इससे ज़्यादा करो ठीक है 2000 लाइक्स का टारगेट है इस पर दो लाइक्स पूरे करो बाकी लव यू होगा मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखना अल्लाह हाफिज़ braven it's just you